हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं कर आज के कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में मॉडल पेपर 2023 का, और दोस्तों इसी पैटर्न पर 2023 में आपको बोर्ड का पेपर भी देखने के लिए मिलेगा। सेम पैटर्न है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। तो बारीकी समझिएगा और समझिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि लघु का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दीर्घ का, कौन सा, सब कुछ हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार जो है आप लोग इस क्लास को, जितने स्टूडेंट क्लास से जुड़ चुके हैं, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट को पता हो सके नहीं क्लास शुरू हो चुका है 2023 का। और जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। और दोस्तों आप सभी की बोर्ड एग्जाम 2023 की जबरदस्त तैयारी करने के लिए एक हमने ग्रुप बनाया हुआ है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप का है और दूसरा आपका टेलीग्राम ग्रुप का है, तो दोनों से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। उसमें फ़ायदा क्या होगा, पढ़ाने के बाद जो भी आपको पीडीएफ होगा वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर देंगे, और साथ में आप जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसका जितना भी इंपॉर्टेंट आपके आंकिक क्वेश्चन रहेगा वो भी सोल्यूशन सहित वो भी हम साथ में प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ जाइएगा। तो शुरू करते हैं क्लास आज का, तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मॉडल पेपर हम फर्स्ट लेकर के आए हुए हैं। पूर्णांक दोस्तों आपका 70 अंक का रहेगा, केवल एक प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, तो 70 अंक का रहेगा, 30 अंक जो है आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, 30 अंक का क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, तो बचे 70 अंक का आपका पेपर होगा। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं समय की बात करें, समय आपको 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए यहाँ पर निर्धारित किया गया है। आगे ये कहा गया है निर्देश नोट में ऐसे ही मिलेगा आपको कि सभी प्रश्न अनिवार्य, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड अ ब स द और यह है। खंड अ बहुविकल्पी है, जिसमें कि 1 अंक का क्वेश्चन है, ब में आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न है, और स में आपका लघु उत्तरी प्रश्न फर्स्ट टाइप यानी 2 अंक वाले, और खंड द में लघु उत्तरी प्रश्न सेकेंड टाइप 3 अंक वाले होंगे, और यह में आपके विस्तृत उत्तरी प्रश्न होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लियर है। बाकी यहाँ पर आपको बहुत पेपर में क्या होगा, इसका सी का मान जो भी आपका यूज होने वाला है वो मान भी आपको दिया रहता है, वैसे कोशिश करिएगा कि हर मान आपको याद हो। ठीक है, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे, बाकी कल फिर अपने टाइम पर टाइम बता दें दोस्तों। तो केमिस्ट्री ध्यान सुनिए, रोजाना क्लास जो केमिस्ट्री के शाम को 6 बजे क्लास चलेगी, 7 बजे आपका मैथ का क्लास चलेगा शाम को, और 8 बजे आपका रोजाना फिजिक्स का क्लास चलेगा। इतना आप लोग क्लास को नोट कर लीजिएगा, फिर आने वाले समय में धीरे धीरे हम क्लास को और बढ़ाएंगे। बात क्लियर है, तो नोट कर लीजिएगा, ये क्लास जो चल रहा है ये 8 बजे चलेगा। केमिस्ट्री का ऑलरेडी चल चुका है, फिजिक्स का सॉरी मैथ का ऑलरेडी क्लास चल चुका है, तो जो मैथ वाले बच्चे हैं जाकर के मैथ का क्लास देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मॉडल पेपर का। तो आपका खंड में आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेगा, 6 ठो रहेगा, 1 अंक का पूछे जाएंगे, यानी 6 अंक का आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जैसे हम दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निर्वात की वेद्यशीलता का मात्रक है। अभी जस्ट हमने अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन आज ये डिस्कस नहीं कर रहे होते तो ये हम क्वेश्चन ये आप टॉपिक पढ़ा दिए होते, आप आंसर बता देते। ठीक है, लेकिन आने वाले समय यानी कि कल के क्लास हम कूलॉम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, उसमें सब कुछ हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला ये सही हो जाएगा, निर्वात की वेद्यशीलता का मात्रक जो है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है कि 7-8 साल लगातार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आगे दोस्तों कि ओम का नियम लागू होता है, ओम का नियम लागू होता है तो आपका अचालकों पर, अर्धचालकों पर और आर्क लैंप पर, यानी सभी पर होता है, तो इसका कौन सा अपना सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, गाय कहता है कि यदि एल आर क्रमशः प्रेरकत्व प्रतिरोध है, तो कहता है यल अपन आर की बीमा होगी, या वो बीमा आपको निकालनी है, तो ये भी हम आपको जब टॉपिक पढ़ाएंगे बता देंगे, बट आपके लिए अगर बात करें आंसर के तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यम के पावर में 0, यल के पावर में 0, डी होगा। ठीक है, इसका दोस्तों घ है आपका कि वायु के सापेक्ष जल और कांच की अपवर्तनांक का मान क्रमशः 4/3, 5/3 है, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात होगा। ये कई साल वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका 5/4 होगा। ठीक है, इसका दोस्तों अंग है आपका कि एक समतोलतल लेंस में उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, लेंस की पदार्थ की अपवर्तनांक पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका 1.5 आ जाएगा, हम पढ़ाएंगे लाइट तब बता देंगे। ठीक है, और 6 है आपका कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो दोस्तों हर्ट्ज ने की थी। ठीक है, ये आपको पता है, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे यही। ठीक है, तो ये दोस्तों देख सकते हैं ये बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गया, यानी कि आपके खंड अ में 6 क्वेश्चन बहुविकल्पी 6 अंक मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों
आपका खंड ब शुरू हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपके भी 6 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ये आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक एक अंक का रहेगा। सभी क्वेश्चन यहाँ पर करना अनिवार्य रहेगा, ठीक है? ये दोस्तों आप देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों स की तरफ बढ़ते हैं, तो स है जो कि ये आपका आएगा लघु उत्तरी प्रश्न सेकेंड टाइप, जो कि 2 अंक का रहेगा। कितना अंक का? 2 अंक का, ठीक है? तो खंड स में आपको लघु उत्तरी प्रश्न मिलेगा फर्स्ट टाइप का, सॉरी फर्स्ट टाइप का 2 अंक वाला, और इसमें आपके टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख सकते हैं कि क ख ग घ, ठीक है? और ये सभी क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य रहेगा, इसमें कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, 2 2 अंक का रहेगा। इसके जब वो कंप्लीट कर लेती है तो आपका खंड द आ जाएगा। ये आपका लघु उत्तरी प्रश्न सेकेंड टाइप का होगा, लेकिन अब ये 3 अंक का होगा, ये 3 अंक का होगा, ठीक है? तो ये 3 अंक का होगा, ये हम देख सकते हैं। इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और ये 3 3 अंक, यानी बहुत ही यानी दोस्तों लघु उत्तरी जो 3 अंक वाला क्वेश्चन वो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देख सकते हैं 5 क्वेश्चन यहाँ पर, तो 3 गुणे 5 करेंगे कितना हो गया? 15 अंक, ठीक है? 15 15 अंक, ठीक। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम वही पूछेगा। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ देख सकते हैं, ये भी आपका लघु उत्तरी प्रश्न ही है, ठीक है? और इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। देख सकते हैं 5 क्वेश्चन क ख ग घ करके है और अंग है, देख सकते हैं 3 3 अंक के यहाँ पर। तो यहाँ कर सकते हैं 5 क्वेश्चन 3 अंक के, 5 15, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को मिलाएंगे तो 30 अंक तो आपके लघु उत्तरी प्रश्न 3 अंक वाले हो जाते हैं, ठीक है? जो कि 3 अंक वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो 3 अंक वाले क्वेश्चन को हमें अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर खंड यह जो है आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत आएगा, यानी कि विस्तृत उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत आएगा, और ये आपका रहेगा 5 अंक का। अब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए फायदा ये है कि 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक आपको करना पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 क्वेश्चन अथवा करके दिया रहेगा। देखिए एक क्वेश्चन ये दिया है कि संधारित्र से आप क्या समझते हैं, एक गोली संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जिसके गोले की त्रिज्या इतना है, इतना मीटर है, तो गोलों के बीच भरे माध्यम पराविद्युतक 6। ये कर लीजिए, अगर आता है तो आप इसको करेंगे तो 5 अंक पाएंगे, या अथवा करके यहाँ पर दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व इतना, जहाँ प्रतिकोष समान अर्थ है, आपको यहाँ पर सिद्ध करना है 5 अंक। या तो आप ये करिए या तो आप ये करिए, जो आपको आता है वो करिए। यानी कि दीर्घ में आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है? इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम 5 अंक का ही क्वेश्चन रहेगा, 2 दिया रहेगा, एक आपको करना पड़ेगा। जैसे यहाँ दिया है कि अन्योन्य प्रेरणा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित आप यहाँ पर लिखिए समझाइए, ठीक है? या अथवा करके दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, अथवा करके यहाँ पर दिया हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण व्यापक बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है? तो 5 अंक ये, यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में भी 2 दिया रहेगा, एक आपको करना पड़ेगा, चाहे वो करिए चाहे ये करिए, ठीक है? इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न 5 अंक का ही आएगा। इसमें भी देख सकते हैं 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक आपको करना पड़ेगा, जो आपको आता है वो करेंगे, 5 अंक यहाँ से पाएंगे। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, और पेपर का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 ही रहेगा। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक आपको करना पड़ेगा, ठीक है? एक आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको 5 अंक मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि टोटल आपके दीर्घ से आपके क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू होगा, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9, यानी कि दोस्तों आपका 4 क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा, 4 प्रश्न तक आपका दीर्घ रहेगा, यानी कि 8 क्वेश्चन दीर्घ में पूछेगा, जिसमें कि आपको 4 क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो 5 चौका 20 अंक आपके किससे हो जाते हैं? दीर्घ से। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपका हो जाता है लघु उत्तरी प्रश्न 3 अंक वाले, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि 30 अंक उससे पूछा जाएगा, उसके बाद दीर्घ वाला आ जाएगा। इससे 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद लघु आ जाएगा आपका 2 अंक वाला, फिर उसके बाद दीर्घ अति आ जाएगा, उसके बाद आपका बहुविकल्पी आ जाएगा। टोटल करेंगे तो 70 अंक आपके हो जाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको करना है। तो दोस्तों ये ध्यान सुनिएगा, ये जो दीर्घ वाला क्वेश्चन पूछेगा ये आपके पूरे बुक से पूछेगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे बुक से क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि हर इकाई से आपसे इसमें क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है? 8 क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो भी आपके दीर्घ बनते हैं वो दिया रहेगा, उसमें से आपको करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों क्लास आपका चल ही रहा है, रोजाना आपकी क्लास का टाइम हमने ऑलरेडी बता दिया है कि शाम को 6 बजे आपका केमिस्ट्री का चलेगा, 7 बजे आपका मैथ का चलेगा, और 8 बजे आपका फिजिक्स का क्लास चलेगा। बाकी आने वाले समय में आपका क्लास बढ़ाया जाएगा। तो आप लोग बढ़ाया कब जाएगा? आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने जितने भी आपके फ्रेंड उनको शेयर करिए, उनको आप चैनल पर लेकर के आइए, ताकि जो बच्चे उनको पता हो सके नहीं क्लास शुरू हो चुका है।
उसके बाद धीरे धीरे क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों जितना बताते हैं प्लानिंग के साथ उतना आपको करते चलना है और बोर्ड एग्जाम आते आते आपकी जबरदस्त तैयारी हो जाएगी, ठीक है। फिर भी आपको कोई भी समस्या होती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9451094356 पर भी आप हमें मैसेज करके बोर्ड एग्जाम से भी रिलेटेड कोई भी आपकी इंक्वायरी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छे समझ में आ गया है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।